अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब फाइन होंगे, अच्छे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने लगे हैं। स्वीट एंड सॉर फ्राइड चिकन है जो चिप्स के बैट के ऊपर होगी। बहुत ही मज़े की होती है, बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत फेवरेट स्नैक है। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देना मत भूलेगा और इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आए हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने लिया है वो 750 ग्राम जो है वो चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने क्यूब्स काट लिए हैं, बाइट साइज क्यूब्स हैं, बड़े नहीं काटे। फिर हमें चाहिए 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 1/2 कप मैदा है, 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, 2 टेबल स्पून ऑयल है, 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर है, सिरका है, ये वाइट विनेगर है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। वैसे मैंने 1 टी स्पून लिया है, लेकिन क्योंकि मैं चिकन पाउडर बीच में डालूंगी, इसमें भी नमक होता है, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके डालूंगी। सोया सॉस है वो भी सॉल्टेड होता है, तो थोड़ा सा आप हाथ रोक के डालिएगा, टेस्ट करके अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। 3 टेबल स्पून सोया सॉस है, ये 4 क्लोव गार्लिक हैं जिनको मैंने पीस दिया है। तो आए, बहुत सिंपल है और बहुत मज़े का बनता है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आए इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये 750 ग्राम जो चिकन मैंने लिया है, और सच एक अंडा, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, एक अंडा। ऑयल हम इसलिए डालते हैं कि जब हम बैटर तैयार करते हैं चिकन के साथ, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो स्टिकी हो जाता है और चिकन पीसेज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये एक टिप है कि जब आप ऑयल इसके अंदर डालेंगे तो जब आप फ्राइंग करेंगे तो ये खुद ही सेपरेट भी हो जाते हैं। सिरका, ब्लैक पेपर, सूख मिर्च, सॉल्ट में थोड़ा सा रोकूंगी जस्ट इन केस, चिकन पाउडर, बेकिंग पाउडर 1/2 टी स्पून, मैदा 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, सोया सॉस 3 टेबल स्पून, ये सारा लहसुन डाल दिया मैंने। इसमें आप गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा एक्चुअली ख़त्म हो गया था तो मैंने फ्रेश गार्लिक यूज़ किया है। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं चिकन के साथ। पहले इसको ऐसे रब करेंगे चिकन के साथ। इसके साथ ही रब करके उसके बाद पानी डालेंगे कि जितनी की ज़रूरत होगी। ये देखिए ऐसे, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मामूली सौलूंगी पानी बस, कि जब मैं इसको एक पीस को उठाऊं तो ये कोट हो इस तरह से और ये फ्राई हो। ये इतना होना चाहिए इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी कि आप जब एक पीस उठाएं तो वो प्रॉपरली कोट हो। ये देखें, ये ऐसे कोट हो और इसको आप फ्राई करें। ये हो गया है, इसको अब मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए मैंने क्लिंग फिल्म लगा दी इसको। और अब हम इसको फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 1-2 घंटे के लिए रखें तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है, लेकिन अगर आपने जल्दी भी फ्राई करना है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको 15-20 मिनट बाद भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसकी सॉस के लिए, जो स्वीट एंड सॉर सॉस के लिए हमको चाहिए, स्वीट एंड सॉर चिकन बनाने के लिए जो सॉस हमको चाहिए, स्वीट एंड सॉर सॉस,
उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो है 1/4 टीस्पून सॉल्ट है, 3 टेबलस्पून सोया सॉस है, 3 टेबलस्पून विनेगर है, 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस है, 3 टेबलस्पून तिल हैं, आप इसको कम या ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं, 4 क्लोव गार्लिक हैं जो रफली चॉप है, आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, सेसमी ऑयल है 1 टेबलस्पून, हनी है 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर है 1.5 टेबलस्पून है, लेकिन जब आप सॉस में मिलाएंगे तो उसको थिक करना है इसलिए इतना इनफ होता है, और ये है थाई स्वीट चिली सॉस है, ये तकरीबन 1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा है, ये सारी डलेगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉस पैन लेंगे क्योंकि ये सारी सॉस कुक होगी, सॉस पैन लेंगे और उसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करके चूल्हे पर रख देंगे। ये देखें मैं तमाम इन्ग्रीडियंट्स सॉस पैन में ही डालती जाऊँगी। इसमें हम 1/4 कप पानी भी डालेंगे। सेसमी ऑयल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, इसलिए कम ही डलता है, लेकिन अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 1 टेबलस्पून लिया, आप 2 से 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। क्योंकि ये स्वीट एंड सार है तो इसका जो सार फ्लेवर होगा वो सिरके से आएगा और इसका स्वीटनेस जो है वो हनी बैलेंस करेगा। ये इसमें पानी शामिल कर दिया मैंने 1/2 कप के करीब, इसको अब हम चूल्हे पे रख के कुक करेंगे। इसको चूल्हे पे रख दिया है, इसको अब हम पकाएंगे। इसमें 2 टेबलस्पून रेगुलर ऑयल भी डाला है मैंने, आम कुकिंग ऑयल। इसको अब हम इस तरह से स्टर करते हुए पकाएंगे। ये बहुत ही यम्मी सॉस है, इसको आप इस तरह से चिकन के साथ सर्व करें, फ्राइड विंग्स करते हैं आप उसके साथ सर्व करें, फिंगर होती है चिकन फिंगर, फिंगर फिश होती है, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, यमी सॉस से आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें इसको बॉईल आ रहा है, मीडियम हाई पे इसको पकाना है आपने। ये आप देख सकते हैं थिक हो गई है, बस इतनी ही थिक चाहिए, ये देखें अच्छी से थिक हो गई है, सॉस हमारी रेडी हो गई है। मैरिनेशन के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको चिकन को मैरिनेट कर लिया था, ये देखें आपको बताया था मैंने। अब इसको हम एक एक पीस उठा के इस तरह से फ्राई करेंगे। तेल हमारा काफ़ी गर्म होना चाहिए, वेरी हॉट पे, इससे ये होगा कि चिकन बहुत ही टेंडर मॉइस्ट बनेगी। एक एक पीस को अलग से डालें। ओवर फ्राउ नहीं करें, बस जितना है इतना काफ़ी आई गेस।
ताकि अच्छा सा ये डीप फ्राई हो जाए। दूसरी तरफ मैंने फ्राइज भी फ्राई होने के लिए रख दी हैं। इतना ऑयल होना चाहिए कि आपकी चिकन प्रॉपरली इसके अंदर डिप हो जाए, ताकि ऊपर और नीचे से इवनली कुक हो। ऑयल कम होगा तो नीचे से पकेगी, फिर आप उसको रोटेट करेंगे, पलटेंगे तो फिर दूसरी साइड से पकेगी। कोशिश करें इतना ऑयल लें कि उसमें आपकी चिकन पूरी डिप हो जाए, कुक हो इवनली दोनों तरफ से एक जैसे टेम्परेचर से। हाई फ्लेम पे पकाना है इसको हमने, 4 से 5 मिनट में कुक हो जाएगी। और इसका ये देखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप चिकन को उठाएंगे अपने स्पून में तो वो बहुत लाइट वेट होगी, उसके अंदर का पानी खुश्क हो जाता है, तो ये जो फ्राइड चिकन हो जाती है, और आपको ताकि ये ना रहे कि कच्ची है चिकन, तो इसका सबसे बेहतर ये है कि जब आप उसको चम्मच से उठाएँगे तो वो वेटलेस होगी और ये घी के ऑयल के ऊपर आ जाएगी सारी। ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं चिकन कितनी अच्छी इवनली कोट हुई है, ये देखें हर तरफ से, और ये अब पक गई है। थोड़ा सा इसको और कलर देंगे और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह आपने सारी चिकन को फ्राई कर लेना है। ये अच्छा क्रिस्पी चिकन फ्राई हुआ हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ये लाइट वेट हो गई है। सेम इसी तरीके से हम बाकी की चिकन भी डाल देंगे। सॉस मैंने आपको बता दिया, वो भी हमारी तैयार पड़ी हुई है। फ्राइज भी हमारा एक बैच तैयार हो गया। आप इसको स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, आपके फ्रेंड फैमिली गैदर होते हैं, सारे गैदरिंग्स में आप उनके लिए बना सकते हैं। सिंपल है, इन्जॉय करेंगे आप लोग। इस तरह से ये दूसरा बैच भी अब आप फ्राई करेंगे और सारी चिकन अब आपने ऐसे ही फ्राई कर लेनी है। फ्राई से हमारे फ्राई हो गए, इनका नीचे हम बेड बनाएंगे। सॉस लेंगे जो हमने बनाई थी, ऐसे ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर। फिर हम चिकन लेंगे, चिकन पे भी हम ऐसे सॉस को ड्रिजल करेंगे, अच्छी सी सॉस ड्रिजल करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट मेकर यही है। थोड़ा सा कलर ब्रेक करूंगी ग्रीन से। ये हमारी स्वीट एंड सार चिकन विद फ्राइज तैयार है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।